पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने पीडीए यात्रा को दलित पिछले और अल्पसंख्यकों को उनके हक दिलाने की मुहिम करार दिया है और कहा है कि आज तक जिनकी आवाज को कुचला गया उनकी 85% आबादी है लेकिन उनको कोई हक नहीं मिला, सिर्फ 15% ने मलाई खाई है। वही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बार सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने फिर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी पर भगवान राम के नाम को वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हिंदुओं से अपील की है कि वो सोचें कि क्या भगवान रामचंद्र का नाम छोटी मोटी चीजों में लाकर उनके डेकोरम के खिलाफ काम हो रहा है या इज्जत अफजाही हो रही है। देखिए, जो देश का माहौल है, जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति अपनी मंजिलें तय कर रही है और वो ना पिछड़ों को देख रही, ना दलित को देख रही, ना अल्पसंख्यकों को देख रही, वो देश के लिए आगे आने वाले वक्तों के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सभी लोगों को जागरूक हों, सब लोगों को ये मालूम हो कि उनका इस देश में क्या हक है। 85% पीडीए में लोग आते हैं, जिस तरह से बिहार के आंकड़े आए हैं, उन 85% को क्या उनका हक मिल रहा है, उसको जागरूक करके हम सबके हक की बात कर रहे हैं। चाहे राहुल जी हो या समाजवादी पार्टी हो, हम सब मिलके उस मेजॉरिटी को जो दबी कुचली है उसको ऊपर उठाकर उनको बाकी लोगों के बराबरी पर लाना चाहते हैं, जो कि आज तक एक आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हो पाया था। तो ये जो दो यात्राएं निकल रही हैं, एक तरफ राहुल गांधी की, एक तरफ पीडीए यात्रा जो शुरू हुई है, क्या इससे कहीं ना कहीं 2024 पर बड़ा असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अभी तो लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि 85% हैं वो और उनको हक क्या मिला, सिर्फ 15% मलाई खाएं और बाकी सब बाहर में जाएं, ये राजनीति अब ख़त्म होनी चाहिए। आप जिन 85% की बात कर रहे हैं वो किन के लिए बात? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए में ये सब लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के बाद उनको उनका पूरा हक नहीं मिल रहा है। इसके अलावा प्रतिष्ठा हो गई है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपका स्टैंड है? देखिए, हम इसमें क्या कह सकते हैं, ये जो शंकराचार्य लोग हैं वो जो कह रहे हैं वो सबको मालूम ही होगा। श्री रामचंद्र जी का इतना बड़ा स्टेटस है, क्या हमें अब उनके नाम को वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो हिंदू भाई फैसला करें, इस बात का डिसीजन लें कि श्री रामचंद्र जी को इन छोटी छोटी चीज़ों में लाकर उनके डेकोरम के खिलाफ हम काम कर रहे हैं या हम उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। अखिलेश यादव को भी निमंत्रण रहा, लेकिन उन्होंने जो है इस बात को ये कह दिया कि मैं पहले नहीं जाऊँगा, लेटर भी भेज दिया कि बाद में जाऊँगा, पहले मना कर रहे थे कि उनको इन्विटेशन ही नहीं मिला। देखिए, अब इन्विटेशन मिला है, अखिलेश यादव जी भी श्री रामचंद्र जी के मानने वाले हैं, सारे हिंदुओं का ठेका बीजेपी के पास तो नहीं है, हमारे नेता भी उनसे बड़े हिंदू हैं और श्री रामचंद्र जी को वो भी मानते हैं, लेकिन उनका राजनीतिकरण नहीं करते। इसलिए जो 22 को राजनीतिकरण हो रहा है उससे बचने के लिए, सिर्फ सवाब के लिए, सिर्फ श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद के लिए, आस्था के लिए वो जाएंगे, वो बाद में जाएंगे, ताकि उनका रहमो करम अखिलेश यादव जी के ऊपर हमेशा हमेशा। कुछ दिन पूर्व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वैष्णव मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो सनातन धर्म के तीसरे महापुरुष है, उनको स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य से कंपेयर किया है। बोले कि स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य के बाद में तीसरे महापुरुष है जिन्होंने सनातन के लिए जिन्होंने इतना बड़ा काम करा है, प्रधानमंत्री ना होता शायद राम मंदिर नहीं बनता। क्या वो ये भूल गए कि क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी बना रहे हैं? ये फैसले तो सुप्रीम कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, इंसाफ नहीं करा था, उस फैसले के ऊपर राम मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट बना रहा है, बाकी लोग जो ढोल बजा रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी या नरेंद्र मोदी, मेन तो काम सुप्रीम कोर्ट का था, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट वालों को। तो
तो क्या माना है, क्या कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण में आपको लगता है राजनीति हो रही है? यकीनी तौर पर सारा समाज ये क्यों समझ रहा है कि मोदी जी बना रहे हैं या बीजेपी बना रही है? आप तो हिंदू हैं, आपको तो मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और ट्रस्ट बना रहा है, आप लोगों ने उसका चंदा दिया है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।